हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में जीत लिया और बांग्लादेश को इनिंग्स और 44 रन से शिकस्त दी। ठीक है, दूसरा मैच अब कराची में खेला जाएगा। तो पीसीबी ने बीसीबी को कहा है कि जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो हम डे नाइट खेलना चाहते हैं। तो आपका क्या प्रोग्राम है, आप खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते? तो बीसीबी वालों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सफा दवा पीसीबी को बोल दिया कि हम डे नाइट टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते और हम इसके हक में नहीं है। तो यार, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐलान कर रहे थे कि हम खेलते, तो पाकिस्तान में फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे नाइट टेस्ट मैच होता। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि कमिंग ईयर्स में पाकिस्तान में डे नाइट टेस्ट मैच हो। लेकिन बीसीबी ने पाकिस्तान का ये जो प्रपोजल था ना, इसको डिनाई कर दी कि हम टेस्ट मैच कराची खेलेंगे, लेकिन वो हम डे में खेलेंगे, डे नाइट हम नहीं खेलेंगे। तो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है। तो पीसीबी ने फिर भी अपना मौक़िफ़ दिया है कि अगर आप खेलना चाहें तो हम तैयार हैं, हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं डे नाइट टेस्ट मैच। लेकिन बांग्लादेश बोर्ड कहते हैं हम इसके हक में नहीं हैं। और ये और वो यार, हक में ना ही हो तो अच्छा, क्योंकि बांग्लादेश ने भी इंडिया के खिलाफ खेला था तो उनकी बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। वो डे में फिर कुछ परफॉर्म करते, लेकिन डे नाइट में उन गरीबों से परफॉर्म ही होता। मेन मोटो की बात ही है। लेकिन पीसीबी ने अपना राइट इनिशिएटिव रखा था कि डे नाइट टेस्ट मैच करवाते हैं हम कराची में, लेकिन बीसीबी वालों ने कहा हम डे नाइट के हक में नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स, क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट ओपिनियन न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।